खतरनाक वाला आर्मर, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने लिया थी रिंग। तो यह बाय द वे ये हमारी हाइपिक्सल की दुनिया है। अभी आप सोच रहे हो कि ये कैसी दुनिया भाई, वो हुआ यूं कि मैंने पूरी वीडियो बना दी और इंट्रो करना भूल गया। तो यह अभी इंट्रो मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये देख रहे हो अपने यूनिक का मैसेज होते हैं। और अभी गाइस मेरे पास तो आर्टिफैक्ट तो आ चुका है भाई, एकदम खतरनाक है। और अभी मेरे को चाहिए इस अंकल जी से बाकी का सामान, मोस्टली सामान मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इसका आर्मर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये काम आएगा लोगों को डराने में। तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर एक हेलमेट, और हेलमेट लेने के लिए हमको चाहिए गीला पम्पकिन। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है यू नीड वेट पम्पकिन। मेरे को ये भी नहीं पता कि सूखा पम्पकिन कैसे आता है, और ये सर जी मेरे को बोल रहे हैं कि गीला पम्पकिन लेके आओ। नाइस है यार, हैंग ऑन अ सेकंड, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या ये मेरे को बताएगा कि गीला पम्पकिन कैसे मिलता है। नॉट एवरी पम्पकिन कैन बिकम ए वेट पम्पकिन। थोड़ी बहुत गाइस रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि यहां पर एक बिल्डर है, उससे आप ले सकते हो नॉर्मल पम्पकिन और जो है ये वाला, तो ये मैं बाय कर लेता हूं। उसके बाद मेरे को अपना आर्मर जैसे उतारना है और ये वाला पम्पकिन पहनना है, और अभी मेरे को जाके अंडर वाटर स्विमिंग करनी ताकि ये पम्पकिन गीला हो जाए। नाइस लॉजिक है भाई, नाइस लॉजिक, एकदम बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। तैर ला यहाँ पर पानी के अंदर, तेरे को तैरना यहाँ पर। और रे मेरा पम्पकिन ट्रांसफॉर्म हो चुका है गीले पम्पकिन के अंदर, लेट्स गो भाई, इतना सिंपल था मेरे को पता भी नहीं है। हेलो सर जी, ये देखो ये रहा आपका गीला पम्पकिन, लेट्स गो भाई, वेरी नाइस, बहुत खुश हो चुका है। यू नो इट्स वेरी हार्ड टू मेक दिस। हाँ मेरे को पता है, मेरे को बहुत टाइम लगा ये बनाने में, 500 साल लगे मेरे को बनाने में, बहुत हार्ड था भाई ये, बहुत हार्ड, इसको क्या पता दुबड़े को। तो ये वाली चीज यहाँ से पहन लेते हैं, और अभी मेरे को चाहिए इसका चेस्ट प्लेट, और चेस्ट प्लेट लेने के लिए इसको चाहिए एक सड़ा हुआ बैट। कौन लिख रहा भाई ये रेसिपीज? और बैट को मारने के लिए गाइस हम बो यूज कर सकते हैं, और मेरे को पता कि बो नॉर्मल बो से वो काम नहीं होने वाला, तो हमें चाहिए होगा एक खतरनाक विदर बो, जो कि ऑब्वियसली ये अंकल जी यहाँ पर बेचते हैं। ये रहा विदर बो, तो ये फट से मैं ले लेता हूँ। और बैट को मारने के लिए गाइस मेरे को चाहिए स्पेशल एरोज, और मेरे को स्पेशली चाहिए आइसी एरोज, जो कि ऑब्वियसली मिलेंगे मेरे को आइस से। अब जाके आइस खोद के लेके आओ। हाई पिक्सल के अंदर गाइस मेरे को कभी हार्ड काम करना नहीं, और मेरे को पता इन डब्बों के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा होगा अपना आइस वाला मंगलू। कहाँ पर है? अरे वाह एकदम क्या जाना तेरे को, क्या है हटना, जब तक तलवार ना पड़े ये बंदे मानते भी नहीं है। हेलो सर जी, आज कैसी हो? अगर मैं तेरी इन्वेंटरी खोल के देखूं तो भाई मेरे को इतनी चिपस नहीं चाहिए। तो इसको निकालते हैं फिलहाल काम से, एंड पट से निकालो। और मेरे को बहुत ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि मुझे इस बंदे को भी वॉइड के अंदर फेंकना पड़ेगा, तो पट से बाय। तो ये जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर आइस वाला मंगलू। तो बहुत ज्यादा मिनियन के हाथ पैर जोड़ने के बाद मैंने उसको भी वॉइड के अंदर फेंक दिया, और अभी मेरे पास आ चुका है 64 स्टैक, आई मीन पूरा स्टैक आ चुका है। और अभी मेरे को ये ट्रेड करना है अपने एरोज वाले भैया के साथ, जो कि ये रहे। हेलो अंकल जी कैसा है? और अभी मेरे को यहाँ पर ढूंढने आईसी एरोज, एंड फट से ले लेते हैं। तो लीजिएगा पूरा स्टैक मेरे पास, मेरे एरोज कहाँ गए भाई? मे बी मेरे बैग के अंदर हो सकते हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर? अरे ये रहे अपने आईसी वाले एरोज, एकदम बढ़िया। लेकिन उसके बाद गाइस मेरे को फिर से नीचे जाना है, और इस अंकल जी से मेरे को आइटम देने जिसका नाम है एरो स्वॉपर। तो अगर मैं ये बाय करूं और अभी मैं अपने एरो स्वॉप कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एरोज पड़े हुए हैं, और मेरे को यहां पे स्वॉप करने आईसी एरोज से। और अभी जाकर बैट्स को ढूंढते हैं भैंस की आंख। और गाइस ये रहा अपना आयरन, सबसे पहले मेरे को यहां पर रात करनी होगी, और रात करने के लिए मेरे को यहां पर लगाना पड़ेगा अपना नाइट सेवर, क्योंकि ऑब्वियसली बैट आते हैं एकदम रात को। तो हम करेंगे रात के एकदम 3 बजे प्लेइंग हाई पिक्सल, 3 बजे वो भी रात के। हाँ देख रहे हो कितना खतरनाक वाला काम कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और अभी एकदम से शांति मेरे को रखनी है, आने वाले होंगे अपने बैट्स यहाँ पर, और जैसे ही आए फच गए वो। हा 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 शिकार खुद चल के मौत के पास आ रहा है। रुक जा एक जगह टिक के बैठ जा, पट से पट टिक के बैठ एक जगह भाई मेरे। कुछ भी नहीं दिया उसने मेरे को यार। अरे चाचू सिर्फ 3-4 ही मेरे को चाहिए यार, इतने दखरे काहे करता है भाई, एक ही बार में मर जाना। कहाँ जा रहा है भाई, उधर कुछ है भी नहीं, मेरे को इसको उड़ के मारना पड़ेगा भाई। मर जा प्लीज मेरे भाई, मेरे पूरे एरोज खत्म हो जाएंगे, इतनी आइस मेरे पास नहीं है। रुक एक जगह टिक के बैठ जा, तेरे को मिनी गन से मारना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं मानता। और क्या कुछ कुछ दे ही नहीं रहा भाई मेरे को, सड़े हुए बैट मरियल बैट कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को ये। पट से पट 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 से हट पट पुट से हेडशॉट पट से हेडशॉट बड़ी मिला क्या? कुछ भी नहीं। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, एक ही दे दे मेरे भाई, सिर्फ एक ही दे दे मेरे को, पूरी दुनिया नहीं चाहिए मेरे को, बस कंफर्म करना कि एटलीस्ट एक मिलता है कि नहीं मिलता। एंड पट से गया और अरे मेरे को मिला, अरे डिकेट पैड मेरे को मिल चुका फाइनली 2 घंटे ग्राइंडिंग करने के बाद। 4 और चाहिए अभी मेरे को। पट से हेडशॉट पट से हेडशॉट पट से।
पट से हेडशॉट पूरे पांच हो गए। हेलो सर जी, लिटरली खून पसीने की कमाई है, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं तेरे साथ। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड आर्मर भी ले लो, लेट्स गो। उसके बाद चाहिए मेरे को लेगिन, और लेगिन लेने के लिए मेरे को चाहिए पॉइजन कैंडी। चॉकलेट के ऊपर इन लोगों ने पॉइजन लगा के रखा हुआ है, और वो भी पांच चाहिए, एक भी नहीं पांच। बड़ा लालची बंदा ये यार। तो गाइस, मेरे को पता लगा कि ये चीज आप एक्चुअली क्राफ्ट कर सकते हो। इसको क्राफ्ट करने के लिए आपको पॉइजन बाय करना पड़ेगा, और आई थिंक गाइस मेरे को यहाँ से पॉइजन मिल सकता है। चाचू कैसा है, मेरे को तेरा पॉइजन चाहिए। टूटी फ्रूटी फ्लेवर पॉइजन, देख रहे हो पॉइजन के फ्लेवर होते हैं यहाँ पर। तो काम करता है, 15-20 ले लेते हैं। इसके बाद मेरे को चाहिए गाजर, जो कि आंटी जी मेरे को दे सकती हैं, तो 3-4 ये भी ले लेते हैं। और इसकी हम बनाएंगे एक छोटी सी कैंडी, लेट्स गो भाई। यहाँ पर एंड मेरी सिंपल कैंडी बन चुकी है यहाँ पर। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला पोशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो ये वाला पोशन बनाने के लिए आपको चाहिए पॉइजनस पोटैटो, सड़े हुए पॉइजनस पोटैटो, और वो भी एन्चेंटेड। और अभी आपको दिखाता हूँ कि वो पोटैटो कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हमें मारने होंगे यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज। तो मारो 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 दोस्त, दोस्त ना रहा, हाई पिक्सल की वजह से प्यार प्यार ना। मर जाओ भाई मेरे, मर जाओ। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी मेरी खराब करके रखी हुई है यार। यहाँ पर किसका आइडिया था हाई पिक्सल खेलने का भाई? नहीं, पहले मेरे को ये बताओ किसका आइडिया किसका था। मारो, अरे मिल गया मेरे को। तो यार बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारने के बाद आपको एक एक पॉइजनस पोटैटो मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को 1.5 स्टैक चाहिए 1.5 स्टैक पॉइजनस पोटैटो का, तब जाके मेरे को बनेगा एक एन्चेंटेड पॉइजनस पोटैटो। तो गाइस मिलता है आपको 50 साल बाद में। मैं पिछले गाइस 2 घंटे से यहाँ पर बैठ के ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, और मेरे को सिर्फ 2 ही पोटैटो मिले हैं। मेरे को एटलीस्ट 15-20 चाहिए वो पॉइजन बनाने के लिए। और अभी हम लेंगे ऑक्शन से, और ऑक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे को एक्चुअली बिडिंग मारनी है ऑक्शन के ऊपर। और ये बंदा मेरे को 19 दे रहा। थैंक यू। अभी इसका मैं एटलीस्ट एक और बना सकता हूँ। तो ये रहा वो ऑक्शन जिसके ऊपर बिड मार रहा हूँ, 3 मिलियन की बिड जा चुकी है भाई। आज तो आलू हम जीत के रहेंगे। फिर से मेरे को आउटबिड करते हैं इसने। भाई तू जीत नहीं पाएगा, टेंशन मत कर, ये पोटैटो आज अपने ही है। फिर से मेरे को आउटबिट करती है इसने। ये ले भैंस की आंख, 5 मिलियन की बिट ले ले। अब कर आउटबिट मेरे को, अब करके दिखा तेरी भैंस की, बहुत चोड़ हो रहा है मेरे सामने तू। ये तो वाकई में चोड़ हो रहा है, मेरे को वापस आउटबिट कर दिया। तेरे को पता है ना बिच्छू गैंग के बंदे हम लोग। ये ले 7 मिलियन की बिट ले भाई, आज पोटैटो अपने हो के ही रहेंगे। अभी पड़ गए ना कलेजे में ठंड। हाँ अभी देखो, अभी बिड नहीं कर रहा, एकदम से बंदा शांत हो चुका है। और अभी गाइस अपना ऑक्शन एकदम से फिनिश हो चुका होगा अब तक। तो लीजिए गाइस पोटैटो हमारे हुए 7 मिलियन के, हमसे पंगा ले रही है। फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4 लीजिए, जहरीली कैंडी बन चुकी है। और अभी इसके बाद मेरे को 4 और बनानी है। देख मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये ले अपनी कैंडी। तरी तेरे को 5 चाहिए थे, मैं 5 लेके आ चुका हूँ। और अभी लेते अपनी लेगिन, लेट्स गो। और अब इसके बाद बूट्स भी रखते हैं। और फाइनली गाइस मेरे को बूट्स लेने के लिए मेरे को चाहिए होंगे, इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट खिल ज़ॉम्बी विद स्वीट, जो स्वीट आइटम माइनक्राफ्ट के अंदर क्या हो सकती है। तो मेरे को एक आइटम चाहिए जो कि किल करे ज़ॉम्बी को, लेकिन वो स्वीट आइटम हो। ऑब्वियसली एक ही चीज है, स्वीट एक्स। तो ये मिलती है सज्जन जी से। हेलो अंकल जी, कैसे हो? तो ये मेरे को लेनी है, पूरे 97 कॉइंस की है। और अभी जाके मेरे को इसके ज़ॉम्बीज मारने हैं। ट्रैप ट्रैप, ज़ॉम्बीज तो मैं मार रहा हूं, लेकिन क्या मिल रहा मुझे इससे? ओ, मेरे को एक्चुअली मिल रहा है स्वीट फ्लैश, नाइस। अभी मेरे को और जॉब्स मत दियो प्लीज। तो ये इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जूते, अरे वाह जूते भी अपने पास आ चुके हैं, नाइस है यार। फट से इसको ही पहनो। और फाइनल मेरे को चीज लेनी है, और वो है अपनी स्पूक स्टाफ। और इसको लेने के लिए मेरे को फ्रोजन स्पाइडर चाहिए, हमें ही मारी जा रहा है यार ये। और फ्रोजन स्पाइडर्स लेने के लिए आपको वहां पर जाके फिशिंग करनी होगी, नाइस है भाई। और मेरे को यहां से बेट भी लेनी पड़ेगी, और मेरे को लेनी है स्पेशली स्पूकी बेट। और ये रही, तो काम करते पूरा स्टैक ही ले लेते हैं इसका। उसके बाद चलना इस तरफ, क्योंकि यहां पर बना एक छोटा सा पॉन्ड। एंड फट से गई अपनी पहली वाली रॉड, कम ऑन। मेरे को यहाँ पर चाहिए फ्रोजन स्पाइडर, आने वाली है। कम ऑन, आ गई। बट ये क्या आ गया, ओए क्या आ रहा भाई? होता है कभी कभी हाईपिक्सल के अंदर ग्लिचेस वगैरह हो जाते हैं, इट्स ओके, आराम से खेल लिया हमने। नो चोबूगिरी इस बारी, फिशिंग रोड हमारी रेडी है। पट से खींचा फ्रोजन स्पाइडर, लेट्स गो। तो बहुत टाइम मेहनत एंड फिशिंग करने के बाद टोटली मेरे पास आ चुकी है 10 फ्रोजन, क्या था इसका फ्रोजन स्पाइडर नाम है ना। तो यार 10 फ्रोजन स्पाइडर आ चुकी है, और अगर मैं इस चाचू को दूं तो ये मेरे को क्या ये स्टाफ देगा प्लीज। Let's go. अभी गाइस मेरे पास आर्मर आ चुका, तो सबसे पहले जाके मुझे अपना डैमेज चेक कर रहा। तो ये अपने माइनक्राफ्ट के मस्त वाले ज़ॉम्बीज यार। ओके ठीक है, और नॉट बैड। ओके अभी मेरे को ये आर्मर क्यों चाहिए था, क्योंकि मेरे को पता लगा कि एक्चुअली हैलोवीन का आर्मर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉन्स्टर मेरे लेवल से नीचे है तो वो मुझसे डर के भागेगा। अभी मेरे को यहाँ पर ये टेस्ट करना है। हेलो ज़ॉम्बी,
बेचारा डर के भाग रहा है यार मुझसे। अरे अरे मैं डरावना नहीं हूँ भाई, मैंने आर्मर पहन के रखा हुआ है, उसको उसको भागने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। अरे एकदम से मस्त चीज है ये, देखो पागल को जगह भी नहीं मिल रही भागने की, भागो। और ये जो आइटम मैंने हाथ पकड़ कर रखी है ये भी कोई मामूली आइटम नहीं है, इससे मैं बाकी प्लेयर्स को डरा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल लॉगिन मेरे ऊपर टेस्ट किया था तो मेरे को मैसेज आया था कि तेरी पूरी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है, तेरा एंटर ड्रैगन पैट भाग चुका है, तेरा ऑक्शन सारा क्लियर हो चुका है, तेरे बैंक के पैसे बैंक लूट के भाग गया। तो जितने भी स्केरी मैसेजेस आप सोच सकते हो वही आपको ये चीज दिखाती है। और अभी गाइस यही स्पेशल वाला आर्मर मेरे को टेस्ट कर रहे हैं एक बंदे के ऊपर, और वो है लॉगी। हेलो भाई मेरे, किधर है तू? ये रहा ऊपर हूं सर जी, ऊपर। तू कभी नीचे भी आ जाएगा, 24 घंटे ऊपर ही खड़ा रहता है, ये नीचे आते को बताता हूँ। आज मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास हाईपिक्सल के अंदर जो है एक मैजिक आ चुका है, और उस मैजिक से मैं तेरी पूरी बैंक मतलब पूरा बैंक खाली कर दूंगा, ठीक है? रहने दो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी देखियो, 1 and 2 रहने दो भाई, ऐसा कुछ 3. भी नहीं होता, मुझे पता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये के कुछ भी नहीं हुआ भाई। तू ट्राई कर, एक मिनट ट्राई करियो भाई, तेरे से कैसे हो रहा है, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, तू ट्राई कर, ये ले। रेडी होना चपाती भाई, ये लो। अरे यार ये तो पुश बन गया मैन। अरे गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि एक क्लिक से वो फालतू के मैसेजेस आते हैं और दूसरे क्लिक से बंदा बुश बन सकता है, लिटरली डेथ बुश बन चुका है यहाँ पर लॉगी। फिर से क्लिक कर भाई, मैं तो आपकी इन्वेंटोरी भी देख रहा हूँ साथ में। हाँ आपने ग्रेट स्पूक हेलमेट भाई, खतरनाक आर्मर आपने पहन के रखा है। आई थिंक तुझे इसके लिए आर्मर भी चाहिए होगा, इधर मेरा आर्मर ले ले फटाफट से, ये ले। और ये ले आर्मर, ये सारे सामान ले ले, बाद में मेरे को दियो, ठीक है? बार मत चाहिए। हाँ देखेंगे देखेंगे उसके बारे में हम तो। ओके अभी मेरे पास खतरनाक आर्मर आ चुका है तो मैं पहनता हूँ। अभी अभी स्टाफ से मेरे को मारियो, मारना है क्या? ये लो, मैसेजेस आते ही नहीं है, वो तहल। अबे तू क्या पूछ बंदर है बार बार भाई, क्या ये? आई थिंक मे बी ये लॉबी के अंदर काम करता है। आजा मैं तुमको टिपी करता हूँ, चल अभी यहाँ पे ट्राई कर लॉबी के अंदर। तो अभी अगर मैं ऐसे मार के देखूँ आपको तो ये क्या लिखा है, दिस आइटम इज करंटली डिसेबल्ड। ले मेरी आइटम डिसेबल करवा दी इसने, रुक जा मैं ट्राई करता हूँ, इधर ला मेरे को दे, इधर ला, तेरे से नहीं होने वाला कुछ भी। ओके अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास आ, तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखो तो दिस आइटम इज करंटली डिसेबल। क्या भाई इतनी मेहनत करी वीडियो के अंदर और आइटम डिसेबल हो चुकी है। अच्छा इधर लॉग इन, मैं तेरे को आज पॉइजन वाला पोर्शन देता हूँ, इसके ऊपर लिखा पॉइजन है लेकिन ये तेरे दिमाग को एकदम से इलन मस्क के दिमाग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना? ये तो टमाटर का कैन लग रहा है मुझे, टमाटर का कैन नहीं है। अभी ये ले ये पोर्शन ले और इसको तुझे पीना, ठीक है? ये पी ले, चल पी इसको भाई, ये खतरनाक वाला पानी है ये। ओ ऐसे पी के देखता हूँ, ओ भाई से ये क्या हो रहा है, ओ ये क्या हो रहा है चपाती भाई, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई, मेरा कैरेक्टर अपने आप आगे जा रहा है। और रोको इसको भाई, मैं लेफ्ट राइट जा भी नहीं सकता भाई, सामने वॉइड आ रही है। फुल ऑन नाटक बाद भाई, फुल ऑन नाटक, देख रहे हो ये, देख रहे हो लोग की नाटक बनती है, देख रहे हो अभी आपको भाई से, भाई साहब आगे वॉइड ही आ गई, जानबूझ के अपने आप को वॉइड में गिरा के आ रहा है, फिर मेरे को बोल रहा अले मैं कुछ चक्कर आ रही है भाई, कुछ भी नहीं हुआ इसको, फुल ऑन नाटकबाज बनता जो है लॉगी अपना यहाँ पर। तो चलिए कहते छोटी सी वीडियो में तेरा काफी है, मेरे को बहुत मजा आया, अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।